सो सी, ये मैंने तीन एरे बनाए हैं। ये मैंने कितने एरे बनाए हैं? तीन एरे, एरे वन, एरे नंबर वन, एरे नंबर टू, एरे नंबर थ्री, है ना? ओके, अब पहला एरे किस टाइप का है? तो हम देखते हैं कि जीरो इंडेक्स पे किस टाइप का वैल्यू है। जीरो इंडेक्स पे किस टाइप का वैल्यू है? तो ये एरे, ओके मैं कलर कोड करता हूँ, येलो हो गया। चलो ये ट्रैफिक सिग्नल का हो गया। चलो तो येलो वाला एरे के जीरो इंडेक्स पे कौन से टाइप का डेटा है? इंटीजर। और एरे का नाम, तीनों का नाम सेम है, एप्पल एप्पल एप्पल। तो हाउ विल डिक्लेयर दिस एरे एज? हाँ, तो कैसे करेंगे? इंटीजर, टेल मी हाउ मेनी इंटीजर्स कैन आई स्टोर इन इट? साइज क्या रहा है? तो इंटीजर और साइज क्या करने का? और साइज आएगा सेवन। यस नो मे बी, सब अग्री करते क्या? नहीं, यस सर। ओके यस, क्या अपराध? ओके, दूसरा एरे किस टाइप का है ये? हाउ मेनी फ्लोटिंग पॉइंट्स कैन आई स्टोर इन दिस? तीसरा एरे किस टाइप का है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन आई स्टोर इन दिस? आया समझ में तुम लोग को ये? ओके, आज हमारा एजेंडा है स्ट्रिंग्स। एजेंडा क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग बोले तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इन दो को साइड में कर देने का। इज दिस एरे ऑफ कैरेक्टर्स? हटा देने का इसको। इज दिस एरे ऑफ कैरेक्टर्स? हटा देने का इसको भी। इज दिस एरे ऑफ कैरेक्टर्स? तो ये बन गया मेरा स्ट्रिंग। क्या बन गया ये? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या है? सिंपल में थ्री वर्ड्स में, थ्री वर्ड्स में हाउ टू डिफाइन स्ट्रिंग? एरे ऑफ कैरेक्टर्स, बस सिंपल। एरे ऑफ कैरेक्टर्स को बोलेंगे स्ट्रिंग। ओके, अब मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यू डालना है, ठीक है। तो देखो, अगर आपका इंटीजर एरे है ना, इंटीजर एरे, तो इसको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एरे डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में करना है, तो आप साथ में कर सकते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टुगेदर, सेमीकोलन, समझा? तो ये आप साथ में ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका फ्लोट एरे है तो आप साथ में डिक्लेयर और साथ में ये हो गया एरे को इनिशियलाइज, ये हो गया एरे डिक्लेयर। ये क्या हो गया? एरे डिक्लेयर। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट गिव अ इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट्स, यू हैव टू गिव द वैल्यूज। बट समझ रहे हैं? यस सर। ऐसा। और अगर आपको फ्लोटिंग एरे करना है, अगर आपको स्ट्रिंग करना है, ठीक है, तो आपको देना पड़ता है ऐसा, समझा? उसके लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं, उसके लिए कौन सा आएगा? डबल कोट। डबल कोट, तो सिंगल कोट्स में कैरेक्टर है। सिंगल कोट में क्या है? कैरेक्टर। और मल्टीपल कैरेक्टर्स को बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? मल्टीपल कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? मल्टीपल कैरेक्टर्स या एरे ऑफ कैरेक्टर्स? मल्टीपल कैरेक्टर्स या क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग। तो अगर सिंगल कोट में है तो क्या है? कैरेक्टर। और डबल कोट में है तो मल्टीपल कैरेक्टर। मल्टीपल कैरेक्टर। आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा? समझा ना? तो इसके लिए अगर मुझे सिर्फ V देना है, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ V दिया है ना, तो कैसे दिया है? सिंगल कोट, क्योंकि V V V क्या है?
सिंगल कैरेक्टर है ना। yes, और अगर मैंने यहाँ पर देखो क्या दिया है, विराट, विराट क्या है, क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल कैरेक्टर्स है, ठीक है। ओके, अभी इसमें देखो, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है एरे ऑफ कैरेक्टर्स में, स्ट्रिंग में, मालूम क्या एक दुविधा क्या है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा अज्यूम करना पड़ता, क्या करना पड़ता, अगर समझो अपन अपन को रिसेप्शन रख रहे, रिसेप्शन रख रहे घर में, और अपने कार्ड बांटे हैं, 500 कार्ड बांटे अपन ने, ठीक है, और अपन ने समझो कार्ड पे लिखा है वन पर्सन ओनली, तो कितने लोग अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 500, तो खाना कितने लोगों का बनाएंगे, 500, बहुत भारी हो गया तेरा वाली मां, थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, हाँ यस, 600 लोग का बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कितने लोग का बनाएंगे, 600 लोग, एक्स्ट्रा अज्यूम करेंगे ना, यस सर, यस सर, तो स्ट्रिंग में एक एक्स्ट्रा अज्यूम करना पड़ता, क्या करना पड़ता, एक्स्ट्रा अज्यूम करना पड़ता, तो अगर आपने को विराट शो करना है, विराट, तो विराट कितने कैरेक्टर्स लेगा, तो ये कैरेक्टर है, तो अभी देखो, अभी मैं इनको अभी स्प्लिट कर रहा हूं ना अलग अलग कैरेक्टर्स में, तो इसके लिए, इसके लिए इनको मैंने, देखो विराट एक स्ट्रिंग है, विराट क्या है, बट ये स्ट्रिंग बनी है कैरेक्टर्स से, है ना, तो कितने कैरेक्टर्स हो गए इसमें, ओके, जहां पर वो स्ट्रिंग एंड होती, जहां पर क्या होती, आपने देखा होगा रेलवे ट्रेन के अंदर डब्बे रहते ना, ट्रेन में डब्बे ऐसा, जो लास्ट डब्बा होता ना, लास्ट डब्बा उसके पीछे क्रॉस होता, क्रॉस टू इंडिकेट कि ये एंड ऑफ ट्रेन है, देखा तुम लोगों ने कभी ऐसा, अभी ऑब्जर्व किया ऐसा, दिस क्रॉस मींस व्हाट, एंड ऑफ ट्रेन, तो यहां पर भी है ना वो एक क्रॉस लगाता है, उसका क्रॉस का टेक्निक अलग है, उसका क्रॉस का टेक्निक है स्लैश जीरो, क्या है, स्लैश जीरो मतलब एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब क्या, एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो लास्ट में वो क्या लगाता है, सी वाला, तो अब कितने कैरेक्टर्स लगे विराट स्टोर करने के लिए, तो अगर मुझे विराट स्टोर करना है तो मैं एक्स्ट्रा पकड़ूंगा, तो अगर मुझे नेम करना है विराट, तो आई विल टेक एरे ऑफ व्हाट साइज, सिक्स, अगर मुझे स्टोर करना है राज, राज तो कितने का लूंगा, यस, तो राज करने के लिए क्या लूंगा मैं, नेम ऑफ फोर, अगर लेट्स टेक योर इंडिविजुअल नेम्स, कौन कौन है, लेट्स टेक शफीक, तो इफ आई वॉन्ट टू स्टोर शफीक, S H A F I Q U E कितने लगेंगे, तो शफीक S H A I 8 तो हो रहे, तो क्या लगते कितने लगेंगे, 9 टू स्टोर पीयूष कितने लगेंगे, नेम ऑफ 7 वेरी गुड, टू स्टोर बराक कितने लगेंगे, सेवन टू स्टोर महक सिक्स टू स्टोर मसीरा कितने लगेंगे, 8 टू स्टोर मुशफिक टेन टू स्टोर साद सब आ गए समझ में आना, तो एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा किसके लिए रहता, वो स्लैश जीरो व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, एंड ऑफ स्ट्रिंग, समझा सर, हम स्लैश जीरो को एक ही कैरेक्टर लेंगे, एक ही कैरेक्टर, यस यस यस, एक ही, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, गिव अ प्लस वन टू योर नेम, देखो व्हाट इज दैट कैरेक्टर टू एंटर न्यू लाइन, स्लैश एन, तो स्लैश एन न्यू लाइन के ना, एक कैरेक्टर है ये,
इसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर, क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज फॉर टैब, टू गिव अ टैब, तो ये एक कैरेक्टर माना जाएगा ऐसे ही. व्हाट इज फॉर एंड ऑफ स्ट्रिंग, वेरी गुड. तो ये है तो दो, पर ये एक है, एक यूनिट है, समझा? क्योंकि वो स्लैश को नहीं मानता, वो इसको एक ही कैरेक्टर लेता है वो. तो जिसके आगे स्लैश लग गया उसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर, क्या बोलते हैं इसको? एस्केप कैरेक्टर. तो ये एस्केप कैरेक्टर्स का ब्रीड है, एस्केप कैरेक्टर्स का ब्रीड है ये, तो उसको एक ही गिनने का, समझा? वेरी गुड. तो अभी एक प्रोग्राम लिखते हैं. ओके, और अगर आपको स्ट्रिंग को स्कैन करना है तो परसेंटेज एस किसके लिए? परसेंटेज क्या फर्क है परसेंटेज सी और परसेंटेज एस में? ये किसके लिए है? एक कैरेक्टर के लिए. यस, सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या है? और मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए क्या है? परसेंटेज एस. तो अगर आपको नाम एक्सेप्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीपल कैरेक्टर्स. क्या हो गया ये? बोले तो एक वर्ड में, बोले तो क्या मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इन सिंगल. ओके, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ दिस टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड, वन वर्ड, क्या होगा बोलो? रीअरेंज अल्फाबेट्स टू फॉर्म वन वर्ड, बताओ क्या है, क्या होगा इसका वन वर्ड, क्या होगा न्यू डोर का? हाँ भाई, न्यू डोर के एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करो कि सिंगल वर्ड बन जाए भाई. न्यू डोर के कैरेक्टर्स को इस तरह अरेंज करो कि वन वर्ड बन जाए, क्या है वो? वन वर्ड ही होगा. क्या होगा? यस, वन वर्ड ही होगा. क्या होगा? मैंने बहुत तुमको हिंट दे दिया, इसके तुमको इजी समझ में आ गया. वेरी गुड. तो अगर सिंगल परसेंटेज सी है मतलब क्या? और मल्टीपल कैरेक्टर है तो परसेंटेज एस. ओके, तो अभी अगर मुझे यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है जिसको बोलना है एंटर योर नेम, क्या बोलना है? तो पहले क्या करूंगा मैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करूंगा, उसके लिए एक लूंगा कैरेक्टर नेम. अल्टीका देखो, अभी अपने क्लास में मैक्सिमम मुशफिक है 10, तो मैं क्या लूंगा, एक सेफ साइड में क्या लूंगा? 11 ना. तो एक और सेफ साइड हो, 15 लो सेफ साइड में. 15 से बड़ा तो कोई नहीं ना अपने क्लास में. अगर कोई मोहम्मद साद भी लिखता है तो भी आ जाता है 15 के अंदर. अब अगर प्रिंट एफ ले लिया मैंने, क्या बोलूंगा यूजर को? प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम. क्या बोलूंगा मैं? फर्स्ट नेम. अब उसको स्कैन करना है तो कैसे स्कैन करेंगे बोलो भाई? स्कैन है परसेंटेज एस कॉमा एंड, समझा क्या? ओके, और अगर मुझे उसको डिस्प्ले करना है तो फिर समझा? यस सर. देखो एरे जो है ना, एरे बाय डिफॉल्ट रेफरेंस टाइप का होता है. क्या होता है? देखो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं. क्या टाइप के, क्या टाइप के होते हैं? वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप. क्या होता है? ठीक है, ये बात याद रखना. वैल्यू टाइप बोले तो आपने सिंगल वाले, क्या सिंगल वाले इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट, जहां पर एरे आ गया, क्या आ गया? इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, फ्लोट एरे, ये सब किसके बनते हैं?
ये किस टाइप के है? हैश टाइप। ओके, वैल्यू टाइप के लिए स्कैन करते वक्त एंड देना जरूरी हो जाता, क्या क्या रहता? स्कैन करते वक्त क्या जरूरी हो, क्या जरूरी रहता? एंड का देना जरूरी है किसके लिए? स्कैन के लिए। किसके लिए? किसके लिए? तो एंड का देना जरूरी किसके लिए रहता? ओके, स्कैन स्कैन कर रहा गाड़ी, उसका स्कैन करते हुआ परसेंटेज दी देना कंपलसरी, क्या रहता? परसेंटेज नहीं, एंड देना, क्या देना? ठीक है, जैसे इंटीजर ए है, कैरेक्टर बी है और फ्लोट सी है, तो क्या करूंगा मैं स्कैन करते वक्त? परसेंटेज डी एंड ए, परसेंटेज एफ और एंड बी और क्या? परसेंटेज सी और, तो ये परसेंटेज एंड देना कंपलसरी हुआ था। बट अगर अपना रेफरेंस टाइप है, क्या है? ओके, तो अभी देखो, अभी ओके, अभी ये एरे के नाम में चेंज करता था कि तुमको कंफ्यूजन ना हो। इंटीजर एरे का नाम एक्स करता हूँ, कैरेक्टर एरे का नाम वाई करता हूँ और फ्लोट एरे का नाम जेड, क्योंकि नाम ही नहीं दिया इसको। क्या कर रहा हूँ नाम में? X, Y और Z, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे स्कैन करना है तो मेरे को क्या? ओके, लेट्स टेक सिंपल कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे क्या है? लेट्स टेक अपन कैरेक्टर, अपन स्ट्रिंग कर रहे ना, कैरेक्टर एरे कर दो। तो कैरेक्टर एरे का नाम क्या है? क्या नाम है कैरेक्टर एरे का? कैरेक्टर एरे का नाम क्या है? वाई। तो परसेंटेज सी और क्या देते अपन? एंड वाई। तो ये एंड वाई देना कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे भी दे सकते। इवन दिस विल वर्क, इवन दिस विल वर्क। परसेंटेज एस, परसेंटेज एस आएगा ना, सी सी नहीं आएगा, ओनली वाई भी चल जाएगा, समझ रहा है कि नहीं? एस में चलेगा ना? यस, एस एस देना पड़ेगा ना, क्योंकि एरे है ना, वो सिंगल नहीं है ना, मल्टीपल है ना, सिंगल वाले में। ओके सर, समझा। तो अभी अपने को अगर ये स्कैन करना है नाम, तो क्या देंगे? एंड नेम और नेम दोनों भी चलेगा? हाँ क्या, दोनों भी चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, क्या बोला मैंने? Yes, और डिस्प्ले करना है तो फिर वो नाम वापस के, तो क्या करेंगे? जो हमने एंटर किया उसको डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे? Name. समझ रहा है क्या? नहीं। Yes, sir. देखो उसका मैंने कोड अभी यहाँ लिखा है, देखो देखो दिख रहा है? दिख रहा कोड? यस सर। यस सर। तो कैरेक्टर एरे लिया, नेम किस टाइप, कितने साइज का लिया? ओके, तो अभी अगर मैंने एंटर किया नाम मुशफिक, ठीक है, और तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है ना, और जब मैं एंटर करूंगा तो डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले हुआ कि नहीं? ओके, मुझे दिखाना है योर नेम इज मुश्फिक, तो क्या करूंगा? योर नेम परसेंटेज है, अभी रन किया, ठीक है। अब मैंने एंटर किया नाम बराक, प्रॉपर नाउन है, एंटर विद अ कैपिटल, तो आया क्या? यस
स्कैन करते हो एंड यूज किया मैंने ओके बट ये प्रिंटेफ ये स्कैनएफ का एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ स्पेस तक स्कैन करेगा कहां तक स्कैन करेगा स्पेस तक अगर मैंने एंटर किया विराट कोहली कहां तक एंटर किया विराट कोहली तो वो जहां स्पेस मिलेगा वहां तक ही स्कैन करेगा उससे आगे स्कैन नहीं करेगा सिर्फ क्या स्कैन करेगा विराट अगर आपको विद द स्पेस स्कैन करना है तो उसके लिए एक फंक्शन है गेट एस क्या फंक्शन है और उसको आपका आपका स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट समझा तो आपके पास स्कैन करने के लिए दो तरीके हैं एक तरीका क्या है स्कैन एफ परसेंटेज एस और एक तरीका क्या है तो एक गेट एस नेम और एक स्कैन एफ नेम आप कौन सा कब यूज करेंगे बोलो इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स स्पेस व्हाट विल आई यूज गेटेस और स्कैनएफ If the string contains space, what will I use? Barak, you there? Oh, yes. If the string contains a space, what will I use to scan that that string? I will use getS. I will use getS. And if that string does not contain a space, I can use scanf. Because scanf will only scan till the space. अगर हम add name लिखेंगे तो फिर अभी भी space तक ही करेगा हाँ and करो या अगर and का करो scanf से space तक लेगा कहाँ तक लेगा space तक तो अगर आपको लेना है first name क्या लेना है first name तो will there be space in the first name no sir तो I can use scanf but if you want to take full name क्या लेना है full name तो if I just want Virat I can use scanf Yes, sir. And if I want full name, तो get us name. समझ में आया क्या नहीं? Yes, sir. देखो, I'll give you a demo. यहाँ पर मैंने क्या use किया है? Same name use किया, single word. Percentage use किया ना, scanf use किया ना? Yes, sir. Okay, अभी मैं enter करता हूँ. Let's say विराट कोहली क्या एंटर किया मैंने विराट कोहली तो उसने सिर्फ कितना स्कैन किया फर्स्ट वर्ड किया स्पेस तक स्पेस के बाद का छोड़ दिया उसने तो अभी नेम में क्या आया विराट तो अभी क्या दिखाएगा आउटपुट योर नेम इज विराट विराट आया दिख रहा है yes. अगर मुझे पूरा चाहिए था पूरा तो क्या करना पड़ेगा मुझे आपको समझा अब रन करते हैं नॉनसेंस मुझे बोला डेंजरस कोई डेंजरस नहीं है हाँ कैसे करेंगे अभी विराट कोहली क्या आया विराट कोहली पूरा नाम आया समझा क्या नहीं yes. ये जो है ना स्ट्रिंग डॉट एच ये हेडर फाइल है इसमें स्ट्रिंग के बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन है सारे बहुत सारे क्या है इसमें रेडीमेड फंक्शन ओके अगर मुझे किसी नाम का लेंथ निकालना है मुशफिक का लेंथ कितना था 10 मुशफिक का लेंथ 9 है एरे का साइज 10 लगेगा उसको स्टोर करने के लिए समझा यस सर पीयूष का साइज कितना है 7 6 6 है एरे का साइज 7 है पीयूष
तो अगर मुझे उसका लेंथ निकालना है तो उसके लिए एक फंक्शन है str alien, फंक्शन क्या है str alien, तो अगर मुझे उस नाम उसको वो नेम पास कर देने का, वो अपने को क्या रिटर्न, व्हाट विल इट रिटर्न, व्हाट विल इट रिटर्न, लेंथ, लेंथ किस, लेंथ किस टाइप, लेंथ किस टाइप का होगा वेरिएबल, और अगर वो डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कर देना, प्रिंट एफ लेंथ ऑफ नेम इज परसेंटेज डी कॉमा एलियन, समझा? यस सर। तो फिर अभी हमने रन करेंगे, तो आई विल एंटर पीयूष, तो पीयूष एंटर किया मैंने तो क्या बताएगा कितना लेंथ है पीयूष का, आया? यस सर। तो ऐसे आप बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते, वो सारे बिल्ट इन फंक्शन जो है ना इसके अंदर है, तो ये str alien एक बिल्ट इन फंक्शन है और आर्ग्यूमेंट ले रहा है, मतलब पैरामीटराइज बिल्ट इन फंक्शन, समझा? तो दीज आर कॉल्ड एज इनबिल्ट फंक्शन, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज, आई डोंट नो, वी हैव फोर टाइप ऑफ फंक्शंस, तो जो रेडीमेड फंक्शन है क्या बोलते हैं उसको, देखो हम लोग अभी नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी फंक्शन कॉल होता है हम उसकी बॉडी खुद लिखते हैं, है क्या नहीं, अरे लिखते क्या नहीं, यस सर, पर इसकी बॉडी लिखा क्या मैंने, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेंथ की, हाँ सर, तो ये मतलब ये रेडीमेड फंक्शन है, क्या ये रेडीमेड, और कौन से पैकेज में है, कौन से हेडर फाइल में है, तो इसमें बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस हैं, हमको वो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, तो तुम लोग अभी ये प्रोग्राम करो बस, ठीक, अरे लो उसको, उसका लेंथ डिस्प्ले करो, यस सर, ओके, देन टुमारो इज सैटरडे, राइट, टुमारो विल टेक इन द मॉर्निंग, यस सर,